भाई लोग, एज एक्सपेक्टेड एंड प्रिडिक्टेड, मुल्तान सुल्तान्स पीएसएल का ओपनिंग मैच जीत चुकी है अगेंस्ट कराची किंग्स, और अब बारी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जालमी की इन द सेकंड मैच ऑफ पीएसएल 2022 जो खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से। अब दोस्तों, ये जो मैच है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कंसिडरिंग कि यहां पर अगर हेड टू हेड कंपेरिजन की बात करें तो 18 मैचेस हो चुके हैं जहां क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8 बार जीती और पेशावर जालमी 9 बार मैचेस जीत चुकी है, यानी कि एक मैच का डिफरेंस है। लेकिन बड़ी बात यहां पे ये है कि पेशावर जालमी लास्ट 4 मैचेस लगातार जीती है, और ऐसे में हाल फिलहाल क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर संकट के बादल नजर आते दिख रहे हैं। दोस्तों, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपनी हार का बदला ले पाएगी पेशावर जालमी से? आइए सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर नजर डालते हैं, नजर डालेंगे पिच रिपोर्ट पर, फोकस करेंगे दोनों टीम्स के पोटेंशियल प्लेयर्स पर। तो बने रहे हमारे साथ कुछ देर के लिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेशनल स्टेडियम कराची की, जहां पर सभी मैचेस हो रहे हैं। 35 मैचेस टोटल यहां पर खेले जा चुके हैं, जहां फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 9 बार जीती और रन चेस करने वाली टीम 26 बार जीत चुकी है, जहां ध्यान रखिए लास्ट मैच भी मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करी थी और मैच अपने नाम किया था। हाईएस्ट स्कोर रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का 238 रन, तो वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है 118 रन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद का ही। रही बात टीम्स के परफॉर्मेंस की, तो भाई नेशनल स्टेडियम कराची में ग्लैडिएटर्स और जालमी के बीच टोटल 4 मैचेस हुए हैं, जहां क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 मैचेस जीते हैं और पेशावर जालमी के हाथ भी 2 मैचेस लगे हैं। तो ऐसे में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है इन दिस वेन्यू। अब रही बात दोस्तों टॉस की, तो वंस अगेन कैप्टन्स बॉलिंग करना पहले चूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द टीम्स दोस्तों, पहले तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जालमी के पोटेंशियल प्लेयर्स पर फटाफट से नजर मार लेते हैं। दोस्तों, ग्लैडिएटर्स की तरफ से जो शानदार परफॉर्म कर सकते हैं वो है बेन डकेट, इफ्तिखार अहमद, शिमरॉन हिटमायर, जेम्स फॉकनर, नजीम शाह और मोहम्मद हसनैन। वैसे देखा जाए तो इनकी टीम में और भी प्लेयर्स मौजूद हैं, जहां पर अगर प्लेइंग 11 पर कंसीडर करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल सकते हैं डैनियल लॉरेंस, बेन डकेट, सरफराज अहमद, इफ्तिखार अहमद, उमर अकमल, शिमरॉन हिटमायर, जेम्स फॉकनर, मोहम्मद नवाज, सोहेल तनवीर, नजीम शाह और मोहम्मद हसनैन। तो दोस्तों, ये जो टीम है डिसेंट नजर आ रही है, बट कुछ फ्लॉज देखने को मिल सकते हैं जब हम पेशावर जालमी से कंपेयर करें तो, जहां पर पोटेंशियल प्लेयर्स जालमी के हो सकते हैं टॉम कोलर कैडमोर, शोएब मलिक, शरफन रदरफोर्ड, सोहेल खान, वहाब रियाज और अरशद इकबाल। दोस्तों, ये जो टीम है ये ज्यादा बेहतर नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, जहां पर अगर हम जालमी की प्लेइंग 11 को कंसीडर करें तो कामरान अकमल, हैदर अली, हजरतुल्ला जजाई, टॉम कोलर कैडमोर, शोएब मलिक, हुसैन तलत, शरफन रदरफोर्ड, उस्मान कादर, सोहेल खान, वहाब रियाज और अरशद इकबाल हमें इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में खेलते नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में बॉलिंग अटैक नो डाउट पेशावर जालमी का ज्यादा बेहतर नजर आता है, और बैटिंग लाइनअप में भी डेप्थ नजर आती है, जहां शोएब मलिक मिडल ऑर्डर बखूबी संभाल सकते हैं, टॉम कोलर कैडमोर और हजरतुल्ला जजाई से उम्मीद होगी कि वो बड़े बड़े हिट लगाएं और टीम को एक मजबूत पॉइंट पर लाकर खड़ा करें। हालांकि टॉप ऑर्डर में कामरान अकमल किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये देखना होगा कि पेशावर जालमी को वो किस तरह की स्टार्ट दे पाते हैं। अब दोस्तों, इन सभी बातों का जो समीकरण निकलता है वो ये कि ऑन पेपर तो नो डाउट पेशावर जालमी ज्यादा बेहतर नजर आती है, लेकिन अगर टॉस जीतकर क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले बॉलिंग करती है तो क्या वो मैच जीत पाएंगे? क्योंकि 90% तो फेवर टॉस जीतकर बॉलिंग करने वाली टीम को ही रहेगा, और ऐसे में हाल फिलहाल तो दोस्तों पलड़ा भारी नजर आ रहा है पेशावर जालमी का। आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे पीएसएल के और मैचेस के साथ, प्लस बांग्लादेश प्रीमियर लीग का डबल हेडर मैच है तो उस पर भी कंसंट्रेट करते हैं। सो दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।